मेरे ख्याल में जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इमरान खान को पुराने खिलाड़ी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। जावेद हाशमी का तहरीक इंसाफ के कप्तान की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड बिठाने पर इसरार, डोप टेस्ट का भी मुतालिबा। बोर्ड बैठना चाहिए, वो इमरान खान के दिमागी तवाज़ुन का भी मुआयना करे, मेरा भी करे। डूब सेल होना चाहिए, क्या खिलाड़ियों को क्या होता है डूब टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि जुडिशियल मार्शल ला 90 दिन का लगेगा और वो आके इलेक्शन करा देंगे और हमारी पार्टी बरसर इक़्तदार आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये एक उनका अंडरस्टैंडिंग थी। जुडिशियल मार्शल लॉ की साजिश से मुतालिक जावेद हाशमी का बयान, पीपल्स पार्टी एएनपी और वकला के बाद बागी रहनुमा ने भी हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मैं कहता हूँ कमीशन होना चाहिए पूरी कौम के सामने, कौम के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और फिर वो बात भी मुझसे करते हैं, मेरे सामने बैठ के बात करने की जरूरत भी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ इमरान खान जरूरत भी नहीं कर सके। सियासतदान अदलिया को सियासत में न लाएं, चौधरी शुजात का रद्द अमल, 2013 का इलेक्शन कियानी और इफ्तिखार चौधरी का था, नवाज शरीफ ने खीर खा ली, चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में जमात इस्लामी का पावर शो, शाहराहे कायदीन पर जलसा, सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों को जाती मुफाद सबसे ज्यादा अजीज है, अंधेरों से मुकाबला करने के लिए अवाम को उम्मीद की शमा जलानी है। इस्लामाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का मामला, थाना सिहाला में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खुद को MNA जाहिर करने वाला जालसाज, मरकजी मुलजिम चौधरी तौसीफ जेरे हिरासत। जेहलम में पाकिस्तानी नयाब जर्मन खातून डॉक्टर का कत्ल, मकतूला के शौहर समेत 2 मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची से गिरफ्तार टारगेट किलर फारूक पठान का 2 पुलिस अहलकारों समेत कई शहरियों को कत्ल करने का इंकशाफ, दुकानों से भत्ता लेने का भी एतराफ। भारतीय जेल में कई बरस से कैद पाकिस्तानी खातून की खबर पर चौधरी निसार का एक्शन, वजारत दाखिला और खारजा को रुबीना बीबी को वतन लाने के लिए इकदाम की हिदायत। दहशतगर्द मोदी सरकार का खाली गया वार, सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद वाज़े अक्सरियत से मुस्तरद, दफ्तर खारजा का सेफ वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी मोबाइल हैक करने की साजिश, नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी बोर्ड की वार्निंग जारी। न्यूजीलैंड से अमेरिका तक नए साल का जश्न, नई उम्मीदों, नए अज़्म, सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ 2017 का आगाज।